टाइम। मैं जो लाया हूँ वो एक एक्सपेरिमेंटल ऑल टेरेन एक्सपेडिशनरी फाइटिंग व्हीकल है, जिसे हमारे मास्क डिवीजन के माहिर इंजीनियर्स ने बनाया है। शुक्रिया एजेंट फाउला, ये मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा। ट्री में जो गड़बड़ हुई थी उसे ठीक कर दिया गया है। अल्ट्रा मैग्नस, अब तुम आ सकते हो। हमें पुराने बेस के मलबे से ज्यादा कुछ नहीं मिल पाया। क्या आप इसे ज्यादा कहेंगे? व्हील जैक, तुम्हारी ये हरकत महंगी पड़ सकती थी, खासकर मुझे। आखिर हो क्या रहा है? कोई मेरी मदद करेगा? तुम करना क्या चाहते थे सिपाही? मैंने सोचा था कि बल्कहेड उसे पकड़ लेगा। एक बात अपने जहन में बिठा लो, ऑप्टिमस प्राइम का कमांडर होने के नाते मैं तुम्हारी रैकर वाली बदतमीजियां नहीं सहूंगा। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। जैकी, शायद तुम भूल गए कि वो ऑप्टिमस प्राइम ही थे जिन्होंने साइबरट्रॉन पर तुम रैकर्स को अपनी कमांड में लेने को कहा था, ताकि तुम बेलगाम घोड़ों की तरह न घूमो। एक असरदार यूनिट बनाने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है, और अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो तुम अपनी राह पर जा सकते हो जैसे पहले गए थे। अगर मेरी शिप खराब नहीं हुई होती तो मैं जरूर चला जाता। सर, तो ऑप्टिमस ने कोई खबर दी? वो डिसेप्टिकॉन एक्टिविटी की जांच करने गए हैं। काश वो एक एनर्जॉन माइन हो। जेट पैक होते? बहुत मजा आता मीको, लेकिन फौज में अब ऐसा दोबारा करने की ताकत नहीं बची। अब तो इसका इस्तेमाल सिर्फ पिटाई के लिए कर सकते हैं। स्मोक स्क्रीन? तुमने कैसे पहचान लिया? क्या हुआ? हमें भेष बदलना होता है ना? तुम कहां रह गए थे सोल्जर? मैं नया पेंट कर रहा था। आखिर ऑप्टिमस भी तो बदल गए हैं और बम्बलबी भी। ठीक है, अब उन खाली क्यूब्स को रखने के इस नए काम को पूरा करो। जी सर। मैं आसानी से प्राइम बन सकता था, लेकिन अब भी वही का वही हूं। क्या तुमने प्राइम कहा?
नहीं, टाइम आ गया है कि मैं सीरियस हो जाऊं। स्मोक स्क्रीन अकेला ऐसा था जो लौट कर वापस गया। अगर वो ऐसा ना करता तो आज ऑप्टिमस हमारे बीच ना होते। आरसी, हमें सख्त आदेशों का पालन करना था। तुम तीनों को अपने इंसानी साथियों को भी बचाना था। लेकिन खुशनसीबी से स्मोक स्क्रीन इतना तजुर्बेकार नहीं जो आदेशों की अहमियत को समझे। मुझे दिख गया। खुदाई का काम बंद कर दो इसी वक्त। हमला करो। ऑप्टिमस, क्या तुम्हें एनर्जॉन मिला? नहीं, लेकिन मुझे ये मिला। ये नहीं हो सकता। ये क्या है? ये हड्डियां हैं प्रेडेकॉन की। हालांकि ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका ढांचा तुम्हारे प्लैनेट पर कैसे आया। वो इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके प्रेडेकॉन बना रहा है जिसे मेगाट्रॉन इस्तेमाल कर रहा है। यानी वो ड्रैगन बॉट जिसे हमने जमा दिया था। लेकिन प्रेडेकॉन का वजूद तब से नहीं है जब साइबरट्रॉन पर जीवन का नामो निशान नहीं था। वो तो धरती के डायनासोर जैसे है। यानी वो तुम्हारे लिए वैसे है जैसे कभी इंसान का सामना टीरेक्स से हो जाए। ये डायनोबॉट्स थे क्या? बहुत अलग थे। मेगाट्रॉन का इस तरह से प्राचीन ढांचों को ढूंढने में इतनी दिलचस्पी दिखाना और हाल ही में उनके बीच उनके साइंटिस्ट का लौट आना, ये इस बात का सबूत है कि शॉकवेव इन हड्डियों के जरिए बीस्ट के क्लोन बना रहा है और अब मेगाट्रॉन एक और क्लोन बनाना चाहता है। ये समझने की गलती मत करना कि वो इसके बाद और नहीं बनाएगा। फिर तो यहां पर बीस्ट वॉर शुरू हो जाएगी। और शॉकवेव को बीस्ट का क्लोन बनाने के लिए इसका बाल बराबर डीएनए भी बहुत होगा। और इसे बनाने के लिए उसे जो चाहिए वो उसे मिल गया है। ऑटोबॉट्स, हमें बीस्ट हंटर्स बनना होगा। एक बात अभी समझ नहीं आई। प्रेडेकॉन साइबरट्रॉन्स पर खत्म हो चुके थे तो उनकी हड्डियां यहां कैसे आई? पृथ्वी पर, मतलब ये सब कुछ अजीब नहीं लगता? ये प्रेडेकॉन्स की हड्डियां नहीं है स्टारस्क्रीम, बल्कि प्रेडेकॉन्स के क्लोन्स की हड्डियां हैं। क्या है कि हमारा पिछला ऑटोबॉट हंटर हमारे माहिर शॉकवेव का बनाया हुआ पहला प्राचीन जमाने का बीस्ट नहीं था स्टारस्क्रीम। जब साइबरट्रॉन पर जंग चल रही थी तब मैंने प्रेडाक्लोन्स की एक छोटी सी फौज को धरती पर भेजने का आदेश दिया था ताकि वो बीस्ट यहां पर छुपे ऑटोबॉट से निपट ले। जब उनका मिशन पूरा हो गया तो बचे हुए प्रेडेकॉन्स इस दुनिया पर सदियों तक मेरे वफादार पहरेदार बने रहे। जितना भी एनर्जॉन वो ढूंढ पाए थे वो उसकी पहरेदारी करते रहे और मेरा इंतजार करते रहे। मुझे आने में देर हो गई इसीलिए बीस्ट भी मिट्टी में मिल गए। लेकिन उनका एंडोमैटर नहीं, जिसकी मदद से मैं आसानी से उनका सीएनए निकाल पाता हूं। फिर से खोजबीन शुरू? लेकिन इतने साल पहले मिट्टी में मिले हुए आपके पालतुओं को आप ढूंढेंगे कैसे?
क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने मेरे बेस को एक दूसरे प्लैनेट पर यूं ही भेज दिया है माइक्रोचिप के बिना? और क्या, यही कह रहा हूं, लेकिन वाकई माइक्रोचिप लगाया था। ये है हमारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट। ये तो ग्रीक माइथोलॉजी और मेडिवल लिटरेचर के उन क्रीचर्स के मेटल वर्जन्स लगते हैं। ये डायनासोर्स नहीं है। ये तो साफ है कि प्रेडिकॉन्स प्राचीन वक्त में कभी पृथ्वी पर घूमा करते थे, तभी तो इंसानों के किस्से कहानियों में इतनी बार उनका जिक्र है। एक बार फिर साबित हो गया कि धरती और साइबरट्रॉन का अतीत एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। सिंथेटिक एनर्जॉन? बिल्कुल, हमारे पास बिल्कुल भी एनर्जॉन बचा नहीं है, क्योंकि जो बचा था वो बेस के साथ उड़ गया। उसकी कमी हमें आने वाले दिनों में कमजोर बना सकती है। बिल्कुल सही सोचा है रैचेट। लेकिन प्लीज मुझसे ज्यादा उम्मीद मत लगाना, मुझे इसके साथ दूसरी जरूरी चीजें भी बनानी है। प्राइम, सैटेलाइट सर्वेलेंस को डिसेप्टिकॉन्स की एक्टिविटीज के दो सिग्नल मिले हैं, एक एल पासो के बाहर ऑयल फील्ड्स के पास और दूसरा वाला स्कॉटलैंड में हिब्रिडिस ब्लफ्स के पास। इसीलिए अपनी कमर कसकर वहां जाना। हमें अलग अलग जाना चाहिए। अल्ट्रा मैग्नस, रेकर्स को ब्लफ्स ले जाओ। जे ऑप्टिमस, कमर कसना क्या होता है? एजेंट फाउलर की बातों को सिर्फ सुनो, उन्हें समझने की कोशिश मत करो और चलो। बल्क है, व्हील जैक, लेट्स रोल। ऑप्टिमस, मैं जानता हूं कि इस फौज के साथ सबके जज्बात जुड़े हैं। ये वक्त उन बातों के बारे में सोचने का नहीं है। अब मैं इसका इस्तेमाल असल में पीटने के लिए करूंगा। मैं उस तरफ जाकर ढूंढता हूं। क्या तुमने कभी प्राइम बनने के बारे में सोचा है? नहीं, अभी नहीं, किसी और दिन। वॉरियर, तुम और मैं दोनों ही, लेकिन मैंने तुम्हें लड़ते देखा है। ऑप्टिमस जानते हैं कि तुम किसी से कम नहीं हो, तो फिर वो तुम्हें स्काउट के औहदे से प्रमोट क्यों नहीं करते? जैसा तुम चाहो। देर किस बात की है? शायद अपने प्लैनेट पर ग्रेजुएट होने की बात कुछ और ही होती। साइबरट्रॉन पर तुम में बहुत सब्र है, मुझे तुमसे सीखना चाहिए।
जैसा मैंने कहा था, तुम किसी से भी कम नहीं हो। कितना बड़ा धमाका था। ले सकता साउंडवेव। चाहिए था वो मिल गया।
बाल बराबर सीएनए मिल गया। शॉकवेव, मुझे पता चला कि तुम्हें आज ऑप्टिमस प्राइम से लड़ना पड़ा। उन हालातों में मुझे उनसे लड़ना पड़ा लॉर्ड मेगाट्रॉन। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहूंगा शॉकवेव, क्योंकि तुम्हारे बिना प्रोजेक्ट प्रेडिकॉन कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हड्डियों को ढूंढने का काम स्टार स्क्रीम कर लेगा और मैं लैबोरेटरी में बैठकर तेजी से काम करूंगा। बहुत अच्छे। वैसे भी मैं अपनी बीस्ट की फौज के पैरों तले इंसानों को कुचलता देखने को बेताब हूं।